हेलो, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या आपने भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये सही डिसीजंस है या फिर ये आपका गलत डिसीजंस है, यहाँ पे हम इसी को एनालाइज करेंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, क्या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स से बच के रहना चाहिए। तो अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को लेके इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि हम एनालाइज कैसे करें कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना गलत डिसीजन है या फिर सही डिसीजन है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमने कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसमें देख सकते हैं आपका है वेदांता, ये भी आपका डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। उसके बाद आपका एंजल वन भी, ये भी आपका हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में काउंट किया जाता है। उसके बाद आपका है ITC है, फिर आपका नेशनल एल्युमिनियम है। ये सारा स्टॉक्स है जो कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेदांता को देखते हैं, जिसको हमने बाय किया था 105 के प्राइस पे, और चार्ट पे इसके चलते हैं और देखते हैं कि 105 का प्राइस यहाँ पे कब आया था। तो यहाँ पे हम वेदांता के वीकली चार्ट पे आ गए, देख सकते हैं वेदांता का ये आपका वीकली चार्ट है। अब देखिए लेटेस्ट में जो यहाँ पे हमें 105 का जो प्राइस देखने को मिला वो कब देखने को मिला, मई 2020 में। इससे पहले भी प्राइस आया था, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट टाइम सबसे लेटेस्ट जहाँ पे प्राइस आपका 105 के लेवल पे आया था वहीं पे हमने इसको बाई किया है। अब इस पॉइंट के बाद हम देखते हैं, यानी मई 2020 के बाद इसने ओवरऑल कितना डिविडेंड दिया है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल हमें डिविडेंड से कितना रिटर्न दिया है वेदांता। तो यहाँ पर हम वेदांता के डिविडेंड हिस्ट्री पर आ गए। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट कब से करना है, मई 2020 से कैलकुलेट करना है। तो देख सकते हैं ये जो पहला डिविडेंड मिला है हमें लगभग आपका अक्टूबर में मिला है, अक्टूबर 2020 में डिविडेंड मिला है, जो कि आपका लगभग 9 रुपीज़ 50 पैसे करीब। इसके बाद भी मुझे ये सारा डिविडेंड मिला है। तो ओवरऑल डिविडेंड को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें इन सारे डिविडेंड को, तो यहाँ पर मुझे लगभग 100 रुपीज़ पर शेयर्स का डिविडेंड मिला है 2020 में से अभी तक। और मेरा यहाँ पे बाइंग प्राइस क्या था, जो मेरा इसमें एवरेज बाइंग प्राइस है वो 105 है, 105 के प्राइस पे यहाँ पे हमने बाय किया था। तो यहाँ पे मुझे एज ए डिविडेंड कितना रिटर्न मिल गया, लगभग आपका 95% से ज़्यादा, 100% भी बोल सकते हैं, 95% से ज़्यादा रिटर्न ये मुझे सिर्फ डिविडेंड के रूप में ही दे दिया है। अगर यहाँ पे इसका प्राइस अब जीरो भी चला जाता है, मेरा नुकसान नहीं होगा, मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मुझे मिल चुका है एज अ डिविडेंड। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे डिविडेंड मिला, साथ ही साथ जो ग्रोथ देखने को मिला वहाँ से मेरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है वो तो मेरा बोनस है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड भी देखने को मिला इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये आपका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है, और हमने 105 के प्राइस पे बाई किया था तो उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। तो अब आप इस डिविडेंड को देखते हुए कोई कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। जितने भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है पहले हम एक एक करके सबको एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम एट लास्ट कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर गलत डिसीजन है। पहले स्टॉक्स को देख के हमें कोई जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टॉक एंजल वन को देखते हैं। एंजल वन को हमने बाय किया था 306 के प्राइस पे, यानी जिस प्राइस पे IPO आया था उसी प्राइस पे यहाँ पे हमने इसको बाय किया था। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें ओवरऑल कितना डिविडेंड दिया है, और ये जो लिस्ट हुआ था आपका IPO प्राइस से नीचे लिस्ट हुआ था, यानी लगभग आपका ये
250 और 240 के लेवल तक चला गया था, यानी जो हमारा आईपीओ प्राइस था उससे नीचे गया था। तो कुछ लोग इससे नीचे भी बाई किए होंगे, लेकिन हमने जो आईपीओ प्राइस है उसी को यहाँ पे हम ले रहे हैं और यहीं से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मुझे कितना डिविडेंड दिया है आईपीओ आने के बाद से लेके अभी तक। तो यहाँ पे हम एंजल वन के डिविडेंड हिस्ट्री पे आ गए और देख सकते हैं अभी तक ही ओवरऑल इतना डिविडेंड दे दिया है। अगर हम इन सारे को ऐड करें तो लगभग ये आपका हो रहा 45 रुपीज पर शेयर्स का यहाँ पे मुझे डिविडेंड मिल गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें मेरा बाइंग प्राइस क्या था, लगभग 306 के करीब ये मेरा बाइंग प्राइस था, एवरेज बाइंग प्राइस था, जो कि हमने आईपीओ में ही लिया था। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो मुझे कितना रिटर्न मिला एज अ डिविडेंड, तो अगर हम देखें तो लगभग 15% का रिटर्न मुझे एज अ डिविडेंड ही दे दिया है अभी तक, यानी लगभग लास्ट 2 ईयर्स में। और अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो लगभग 7.5% का रिटर्न ये हमें दे रहा है एज अ डिविडेंड, जो कि किसी फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो ग्रोथ दिखाया है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन अलग है, ग्रोथ में भी ये कहीं से पीछे नहीं है, लगभग आपका 2 से 3 गुना हमें ग्रोथ में भी एप्रिसिएशन देखने को मिला। साथ ही साथ ये हमें लगभग 7.5% के करीब एनुअली डिविडेंड भी दे रहा है। तो अभी भी हमें जल्दबाजी में इन सब को देखते हुए कोई डिसीजंस पे नहीं आना, सबसे पहले सबको एनालाइज करने दीजिए, उसके बाद हम फाइनल डिसीजंस पे आएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टॉक नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं। इसको हमने बाय किया था लगभग आपका 45 के प्राइस पे। तो चलिए अब हम इसके चार्ट को देखते हैं और देखते हैं कि 45 का प्राइस कब आया था लास्ट टाइम और उसके बाद से अभी तक इसने ओवरऑल कितना डिविडेंड दिया है, यानी जो मेरा फिक्स्ड इनकम है जिसको हम एज अ डिविडेंड के रूप में काउंट करते हैं वो मुझे कितना मिला। साथ ही साथ देख सकते हैं सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया, तो हम ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे। अगर बाई चांस ये सारा स्टॉक्स हमें ग्रोथ नहीं देता है या फिर निगेटिव ग्रोथ देता है या फिर जीरो ग्रोथ देता है, तो उस टाइम पे मुझे जो फिक्स्ड इनकम है डिविडेंड का वो हमें कितना मिलता है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं और हम उसी के बेसिस पे हम स्टॉक्स का सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे अब हम नेशनल एल्युमिनियम के डेली चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए कि 45 के प्राइस पे ये ट्रेड कब कर रहा था लास्ट टाइम, इससे पहले भी प्राइस आया था लेकिन उससे पहले हम उसको नहीं ले रहे, हम मान के चल रहे कि लास्ट टाइम लेटेस्ट जब ये 45 के प्राइस को टच किया था उसी टाइम हमने इसको बाई किया या फिर आपने या फिर किसी ने बाई किया। तो देख सकते हैं लगभग 2020 के एंड में ये लगभग आपके 45 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2021 से लेके अभी तक इसने ओवरऑल कितना डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पे अब हम नेशनल एल्युमिनियम के डिविडेंड हिस्ट्री को देखते हैं और हमें देखना कब से है, 2021 से। देख सकते हैं 2021 में पहली बार मुझे यहाँ पे डिविडेंड मिला था और उसके बाद मुझे 2-3 डिविडेंड और मिला है। तो ओवरऑल ये मुझे 4 डिविडेंड मिले हैं 2021 से लेके अभी तक। तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो आपका हो रहा लगभग 5 और 3 8, लगभग मुझे यहाँ पे ₹8 पर शेयर्स का डिविडेंड मिला है। और यहाँ पे जो हमने इसको बाय किया था लगभग आपका 45 के प्राइस पे इसको बाय किया था, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल कितना डिविडेंड मिला, लगभग 18% का डिविडेंड मिला है। अगर हम एनुअली बात करें तो लगभग 9% का एनुअली हमें रिटर्न दे रहा है एज अ डिविडेंड, और ये सारा डिविडेंड मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। अगर आप इन सारे डिविडेंड को वापस से री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका जो ग्रोथ देखने को मिलेगा उसमें हमें और ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, नहीं तो आप इसको चाहो तो एज ए पैसिव इनकम भी अपने पास रख सकते हो, एज ए एक्सपेंस भी इसको अपने पास रख सकते हो। ये आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा जिसके जरिए आप अपना डेली नीड या फिर डेली एक्सपेंसेस को भी कवर कर सकते हैं। तो इस डिविडेंड इनकम को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, आपके यूजेज पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका 9% एनुअली डिविडेंड भी दे रहा है तो कहीं और अगर आप पैसा को रखते भी हैं तो इतना ज़्यादा रिटर्न आपको कहीं और नहीं देगा, कोई एफडी नहीं देगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं देगा, कहीं से नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको यहीं से मिलेगा। और साथ ही साथ जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो तो अलग से एप्रिसिएशन है ही। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टॉक्स है जो कि आपका है हिंदुस्तान जिंक, वो भी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको भी हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में, और मैं हमारे पोर्टफोलियो में और भी बहुत सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, यानी हमने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा, वेल डाइवर्सिफाई करके रखा, यानी हमने अपने पोर्टफोलियो में लगभग आपका 20% के करीब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, बाकी 80% हमने अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया।
तो आप अपने हिसाब से, अपने पर्सनल नीड के हिसाब से इस तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप 15-20% एलोकेशन जरूर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैसिव इनकम मिलता हुआ दिखेगा और वो इनकम आपको कभी भी काम आ सकता है। अगर जरूरत नहीं है तो उसको वापस से आप वही सारे स्टॉक्स में री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर उसमें हमें गिरावट देखने को मिलता है तो। तो हिंदुस्तान जिंक को जो हमने बाय किया लगभग आपका 225 के प्राइस पे हमने बाय किया। इसके अलावा ग्रेफाइट भी है आपका, ITC भी था, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते रहते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदुस्तान जिंक को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में काउंट किया जाता है। तो देखते हैं कि 225 के प्राइस पे कब आया था और उसके बाद से लेके अभी तक इसने ओवरऑल कितना डिविडेंड हमें दिया है। तो यहाँ पे हम हिंदुस्तान जिंक के डेली चार्ट पे आ गए। अगर आप इसके डेली चार्ट को देखो तो यहाँ पे हमें देखना है कि 225 के प्राइस पे ये कब आया था। तो देख सकते हैं अक्टूबर के मंथ के करीब, यानी अक्टूबर 2020 के करीब ये आपका 225 के प्राइस पे आया था। तो देखते हैं अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक इसने ओवरऑल हमें कितना डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पे अब हम हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड हिस्ट्री पे आ गए। अब देखिए मुझे कहाँ से देखना, अक्टूबर 2020 से अभी तक। तो देख सकते हैं अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे मुझे लगभग 21 रुपीज़, फिर आपका 18 रुपीज़, फिर आपका 21 रुपीज़, ये तीन डिविडेंड मिला है। तो इस तीन डिविडेंड को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग मुझे 60 रुपीज़ पर शेयर्स के करीब यहाँ पे ओवरऑल डिविडेंड मिला है अभी तक की अगर हम बात करें तो। मेरा बाइंग प्राइस क्या था, मेरा बाइंग प्राइस था लगभग आपका 225 के करीब। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग आपका यहाँ पे 28% से लेके 30% के करीब मुझे क्या मिला, रिटर्न मिला एज अ डिविडेंड। और यहाँ पे अगर आप एनुअली रिटर्न की बात करें तो 15% एनुअली रिटर्न मिला सिर्फ डिविडेंड इनकम से, बाकी प्राइस जो ऊपर गया, जो ग्रोथ देखने को मिला, वो हमें अलग कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा हमें डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमने इन सारे स्टॉक्स को बाय कब किया है, अपने लोएस्ट पॉइंट पे बाय किया है। तो आप इन सारे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको 52 वीक लो के करीब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन सारे स्टॉक्स में, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर ये आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि सिर्फ आपको डिविडेंड पे फोकस नहीं करना है, वो ऐसा स्टॉक्स फोकस करना जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी हो और साथ ही साथ वो हमें डिविडेंड भी दे रहा हो, जैसे आपका हिंदुस्तान जिंक है, ITC है, वेदांता है, आपका एंजल वन को भी काफ़ी हद तक आप ले सकते हैं अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हैं तो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, जिसका इलेक्ट्रिकल स्पेस में भी अच्छा खासा डिमांड होता है। तो वैसे स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं जिसका आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल भी है और साथ ही साथ वो हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा हो, तो वहाँ पे आपको ड्यूअल तरीके से बेनिफिट मिलेगा। पहला आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा सो होगा, और यहाँ पे आपका एक पैसिव इनकम मिलेगा डिविडेंड के रूप में, अच्छा खासा पैसिव इनकम मिलेगा। जितना आपको FD से मिलता है उतना ही यहाँ पे भी आपको पैसिव इनकम या फिर उससे डबल और कभी कभी उससे ट्रिपल भी मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आपको डिविडेंड स्टॉक्स पे फोकस नहीं करना। अगर आप सिर्फ डिविडेंड स्टॉक पे फोकस करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डिसीजंस आपका गलत डिसीजंस है, वहाँ से आपको बचना है। आपको दोनों एवरेज लेके चलना है, जो हमें डिविडेंड भी दे और ग्रोथ पोटेंशियल भी हमें देखने को मिले, वैसा स्टॉक्स पे फोकस करना है। और वैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर वो आपका सही डिसीजंस है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिया है। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हाई पे मत जाइए, यानी 52 वीक हाई के करीब है या फिर आपका ईयर हाई के करीब है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जब हमें इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले या फिर 52 वीक लो के करीब हो या फिर 6 मंथ का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके करीब हो या फिर क्रूशियल सपोर्ट लेवल के करीब हो तो वहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसमें सही जगह पे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा यहाँ पे हमें मिला सेम टाइप ऑफ रिटर्न आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपको ग्रोथ के साथ साथ इस तरह का ज़बरदस्त डिविडेंड भी देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि आप सोच समझकर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें बहुत कुछ मैटर करता है। सो उम्मीद करते हैं जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को लेकर आपके मन में डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें
इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब हम आगे भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।